नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संवाददाता मोहित यादव की खास रिपोर्ट जनपद एटा से। अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और पैथोलॉजी सेंटर पर प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई। पैथोलॉजी सेंटर समेत एक्सरे सेंटर किए गए सीज। छापामार टीम की कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित अस्पताल संचालकों और पैथोलॉजी सेंटरों संचालकों में मचा हड़कंप। कई संचालक तो शटर गिराकर मौके से फरार भी हो गए। वहीं पर दूसरी खबर है, एटा में जीएसटी विभाग की बड़ी छापेमार कार्रवाई से व्यापारियों में मचा हड़कंप। एटा में तंबाकू व्यापारियों के कई बड़े स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। जीएसटी चोरी और अवैध गुटखा के इनपुट मिलने पर जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी मच गया। पुलिस और जीएसटी विभाग व जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में जनपद में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों में नोक झोंक भी हुआ। प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी से व्यापारी मंडल ने जताया कड़ी विरोध। लोग अवैध रूप से जीएसटी लेकर और उसका जीएसटी सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं भरते हैं और लोग अवैध तरीके से अपनी दुकान चला रहे हैं। वहीं अस्पतालों में गलत तरीके से लोगों का इलाज भी होता है, फिर भी उसका कुछ भी नहीं हो पाता। वहाँ पर अगर मरीज खत्म भी हो जाता है, उनका मृत्यु भी हो जाती है, तो अस्पताल इन सब चीज़ों का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और यह मरीज के परिवारों पर मर देता है। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए जनपद एटा से मोहित यादव की खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। पैथोलॉजी संचालक और अस्पतालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है, संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, किन किन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है? ऐसी सूचना मिली थी कि तहसील अलीगंज में अवैध रूप से क्लिनिक या हॉस्पिटल या पैथोलॉजी का जो है संचालक किया जा रहा था, जिसको हमें अभियान चलाया गया है। उसमें चार हॉस्पिटल या क्लिनिक के नाम जो पैथोलॉजी हैं उनको जो सील किया गया है मौके पर जाकर, और दो हॉस्पिटल को भी मौके पर जाकर पाया गया कि उनके पास जो कागजात थे वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, उनको भी सील किया गया है। साथ ही एक पंचनाथ डिजिटल एक्सरे और पैथोलॉजी के नाम से एक्सरे की मशीन लगी हुई थी लेकिन उसको मुआयना नहीं कर पाया, उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा रही है। ये पैथोलॉजी संचालक जो पूरी तरीके से अवैध थे या इनके पास किसी तरीके के कुछ जो है अभी दस्तावेज थे? अभी जो जांच जारी है, जिनके जो दस्तावेज दिखा नहीं पाए हैं उनको सील किया जा चुका है, जांच कराई जा रही है। जिन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है उसके खिलाफ FIR की जा रही है। SDM सर, आज जो है अलीगंज कस्बे में अवैध पैथोलॉजी संचालक और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, संयुक्त रूप से कार्रवाई की है, किन किन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है? ऐसी सूचना मिली थी कि तहसील अलीगंज में अवैध रूप से क्लिनिक या हॉस्पिटल या पैथोलॉजी का जो है संचालन किया जा रहा था, उस क्रम में अभियान चलाया गया है। उसमें चार हॉस्पिटल या क्लिनिक के नाम दो पैथोलॉजी हैं उनको जो सील किया गया है मौके पर जाकर, और दो हॉस्पिटल को भी मौके पर जाकर पाया गया कि उनके पास जो कागजात थे वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, उनको भी सील किया गया है। साथ ही एक पंचनाथ डिजिटल एक्सरे और पैथोलॉजी के नाम से एक्सरे की मशीन लगी हुई थी लेकिन उसको मुआयना नहीं कर पाया, तो उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा रही है। ये पैथोलॉजी संचालक जो पूरी तरीके से अवैध थे या इनके पास किसी तरीके के कोई जो है दस्तावेज थे? अभी जो जांच जारी है, जिनके जो दस्तावेज दिखा नहीं पाए हैं उनको सील किया जा चुका है, जाँच कराई जा रही है, और जिन्होंने जाँच में सहयोग नहीं किया है उसके खिलाफ FIR की है। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rbnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।